Why everybody is blaming me? And I'm totally upset. राखी सावंत, ये नाम सुनते ही जहन में एक ही ख्याल आता है ना कि बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन की जिंदगी स्टार प्लस हो गई है। हर दिन एक नया ड्रामा देखने को तो मिल ही जाता है। I swear, जिस डिजाइनर ने मुझे वो कॉस्ट्यूम्स दिया था पहनने के लिए, I didn't know कि वो इतना एक्सपोज होगा। पहले सीक्रेट शादी की खबरों से खूब सुर्खियां बटोरी, फिर स्वर्गवासी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर एक टिप्पणी दी, और अब फिर से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें रोते रोते कह रही है कि मुझे नहीं पता था ये ड्रेस इतनी रिवीलिंग है। दरअसल बीते दिनों राखी सावंत अपने नए गाने छप्पन छुरी के लॉन्च पर पहुंची। इस इवेंट में राखी सावंत बेहद ही बोल्ड अंदाज में नजर आई थी, और जो ड्रेस पहनी थी वो काफी रिवीलिंग थी। इस ड्रेस के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल होने के बाद राखी ने एक वीडियो पोस्ट किया, सुनिए। This is राखी सावंत, today Sunday and I'm crying. I swear, जिस डिजाइनर ने मुझे वो कॉस्ट्यूम्स दिया था पहनने के लिए, I didn't know कि वो इतना एक्सपोज होगा। I am facing lot of problem with that costume. I really don't care about my video, or I really don't care about anything. I didn't know that कि सारी मीडिया वहाँ पे होगी और इतनी सारी लाइट्स मेरे कॉस्ट्यूम्स पे होगी एंड मेरी बॉडी दिख जाएगी। I really don't know. One of the designers she gave me that costume and मैंने अपने छप्पन छुरी के लॉन्च पे पहना। मैं कभी भी ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी कि मैं अपनी बॉडी को यू नो दिखाऊं ये वो, एंड आई एम टोटली अपसेट। व्हाई एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग मी? आई वांट टू वेयर द उस टाइप के कपड़े। नो, आई डोंट वांट टू वेयर। आई डिडंट नो, जब मैंने गाउन पहना था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि इट्स अ रिवीलिंग, यू नो। एंड नाउ पीपल आर टॉकिंग शिट अबाउट मी। I really don't care about the people, but my personal man, he don't understand me. I think my life is over. I'm sorry, fans. I think my life is over. I was a very strong person, but I think my life is over. अब मैं मुझे कोई शौक नहीं था वैसा कुछ दिखाने का, थोड़ा भी शौक नहीं था। पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड मी। इस तरह के वीडियोस और पोस्ट के कारण राखी सावंत हमेशा सुर्खियां बटोरती है और हमेशा न्यूज में रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नफ्तेज टीवी।